नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौखिला। बुलेटिन में हम उन खबरों की बात करेंगे जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अहम खबर, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और 5 दिसंबर को संसद में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी टिप्पणी की गई सांसद के द्वारा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने जहाँ बीजेपी को टारगेट करते हुए ये कहा कि बीजेपी उन राज्यों में जीत रही है जहाँ पर हिंदी, यानी कि जो राज्य हिंदी भाषी हैं वहाँ पर वो जीत रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर इसे गौमूत्र वाले राज्य कहा जाता है। इसके साथ ही सेंथिल ने ये भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया गया। ये खतरा ज़रूर है कि कश्मीर की ही तरह भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे, क्योंकि ये वहाँ जीत नहीं सकते तो उसे यूटी बनाकर गवर्नर के जरिए शासन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पर अलग अलग मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे सनातनी परंपरा का अनादर बताया। डीएमके को जल्द ही गौमूत्र के फायदों के बारे में पता चल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ ही वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस टिप्पणी के बाद अलग अलग मंत्रियों की जो भावनाएं हैं, या फिर यूं कहें कि सभी की भावनाएं आहत हुई हैं, और उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि इस टिप्पणी को लेकर उन्हें जल्द ही एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। आज संसद का शीतकालीन सत्र का 30वां दिन है। बढ़ते आगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई है। वहीं मिजोरम की बात करें तो यहां पर जो स्टेट पार्टी है उसने जीत हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन इस बीच लगातार ये अब सवाल उठ रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जीतने का कारण ईवीएम में गड़बड़ी है। जी हाँ, वैसे हर साल हम ये देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ईवीएम का जिक्र ज़रूर होता है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम में खराबी या ईवीएम में गड़बड़ी की जो बात है वो कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की है और जिसके बाद बीजेपी को इसमें जीत हुई है। अब ईवीएम को लेकर, ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने मांग की है कि इस पर जाँच होनी चाहिए और जो भी विधायक जीते हैं उनसे उनका सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाए और इसको पहले स्पष्ट किया जाए कि क्या ईवीएम से रिलेटेड जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है, उसके बाद ही इनको ये सर्टिफिकेट दिए जाए। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मेट्रो में अब आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसकी उम्मीद शायद आपको नहीं होगी, या फिर यूं कहें कि अब आप जब भी मेट्रो में सफर करेंगे तो आपकी नज़र जो स्क्रीन्स वहां पे लगी होती है उन पर जरूर जाएंगी, क्योंकि डीएमआरसी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रहा है। जो स्क्रीन मेट्रो में लगी होती है उसमें जो विज्ञापन चलते हैं वो विज्ञापन वीडियो और ऑडियो के जरिए चला करेंगे। अभी तक स्क्रीन्स पर केवल दिल्ली मेट्रो से संबंधित जानकारियां ही दिखाई देती हैं और ऑडियो भी केवल यात्रियों के लिए ज़रूरी घोषणाएं होती हैं। लेकिन डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दलाल ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कश्मीरी गेट से बदरपुर के बीच मेट्रो की वायलेट लाइन पर ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। दिसंबर 2023 से 2024 तक 1 साल की अवधि के लिए इस रूट की सभी ट्रेनों में विज्ञापन प्रसारित किए जाएंगे। मिलने वाले फीडबैक के आधार पर आगे चलकर मेट्रो की अन्य लाइनों का इसका विस्तार किया जाएगा। तो मेट्रो में जो यात्रा करते हैं यात्री, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बढ़ते आगे, करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को उन्होंने उसके घर पर अंजाम दिया। मिलने के बहाने से वो उनके आवास पर प्रवेश करते हैं और उसके बाद 10 मिनट की बातचीत के बाद एकाएक वो दोनों जो बदमाश हैं वो गोगामणि पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि गोगामणि की मौके पर ही मौत हो गई और इस पूरे हादसे में जो उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है वो भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लेकिन इस घटना का विरोध अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग जो इलाके हैं यहाँ पर इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ये भी अपडेट आई है अभी तक की कि इस मामले में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ जिसमें से एक, जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, उसके फ़ोन रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है और जिससे ये पता चला है कि ये पूरी जो घटना है या ये पूरा जो हत्याकांड है वो एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। 3 लोग यहाँ आए थे कि हम बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट
उनके साथ बातचीत किया, 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत, वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। देखिए, किसी ने सच ही कहा है, प्यार न जात देखता है, न धर्म देखता है और न ही सीमाएं देखता है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई थी अपने बच्चों के साथ अपने प्यार के लिए और यहाँ पर उसने शादी की। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहाँ पर जावेरिया खानूम नाम की एक जो महिला है वो पाकिस्तान से भारत आई है और जो व्यक्ति है वो कोलकाता का रहने वाला है और यहीं पर वो उस व्यक्ति के साथ में शादी करेंगी। ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल से इन दोनों का लव अफेयर चल रहा था और 2 बार इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो पाया। लेकिन 45 दिनों की मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद इनका वीज़ा अप्लाई हुआ है और भारत में खानूम को प्रवेश मिला है। आपको बता दें कि कोलकाता निवासी व्यक्ति से शादी करने के लिए पाकिस्तानी युवक बाघा अटारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में प्रवेश करती है। दोनों की शादी अगले साल जनवरी में होने वाली है। कराची की रहने वाली जावेरिया खानूम ने अमृतसर जिले में अटारी से भारतीय सीमा में प्रवेश किया जहां उनके मंगेतर समीर खान और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। पूर्व में खानूम की 2 वीज़ा अर्जियां रद्द होने और कोविड महामारी के कारण शादी करीब 5 साल टलने के बाद उन्हें 45 दिनों का वीज़ा प्रदान किया गया है। अटारी में जोड़े ने एक संक्षिप्त बातचीत में कहा कि शादी अगले साल जनवरी में होगी। खानूम ने कहा कि मुझे 45 दिनों का वीज़ा दिया गया है और इससे पहले 45 दिनों तक उसने कोशिश भी की कि जैसे तैसे उसका वीज़ा अप्रूव हो जाए। यहाँ आकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद करती हैं कि जल्द ही वो समीर के साथ एक पवित्र शादी के बंधन में बंधेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ का जो AQI लेवल है वो बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को शुद्ध हवा शायद ही नसीब हो। लेकिन ये भी राहत की बात है कि जिस तरीके से धूप खिल रही है, मौसम साफ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पॉल्यूशन है उस पर पड़ रहा है। पॉल्यूशन थोड़ा कम कहा जा रहा है लेकिन उस हद तक यहाँ की जो हवा है वो साफ नहीं है जिससे कि सांस ली जाए और प्रदूषण के कारण बीमारियाँ तो फैल ही रही हैं। इसके साथ ही बच्चों को, बूढ़ों को, जिनको बीमारियाँ हैं उनको इस पॉल्यूशन से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है अभी उस तरीके से साफ नहीं हुआ है। हालांकि जद्दोजहद इसको ठीक करने की जा रही है लेकिन फिलहाल कोशिशें नाकामयाब होती भी नहीं दिख रही हैं। वहीं CPC के मुताबिक मंगलवार सुबह तक दिल्ली का AQI 380 दर्ज किया गया था। इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। खराब वायु गुणवत्ता वाली अवधि में दिल्ली के PM2.5 में पराली के धुएं की औसत हिस्सेदारी सिर्फ 14% थी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल अभी भी 300 के पार पहुंचा है। वहीं बुधवार की बात करें तो यहां अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, यानी खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में वायु की गुणवत्ता ख़राब होने का कारण है वो पराली नहीं बल्कि जो यहाँ की हवा है वो जहरीली होती जा रही है, गैस चैम्बर बनती जा रही है। और ये कहा जा रहा था कि पराली इसका रीज़न है लेकिन पराली इसका रीज़न नहीं बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल अभी भी 300 के पार है। बात करें अलग अलग इलाकों की तो विवेक विहार में 369 AQI लेवल दर्ज किया गया है। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो 319 है, बुराड़ी में 319 और इसके साथ ही द्वारका में 344 AQI का लेवल है। जहांगीरपुरी में 332 और अशोकनगर में 319 AQI लेवल दर्ज किया गया है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ये वो खबरें हैं जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र रहने वाली है और कुछ और क्या कुछ खास आज पूरे दिन भर रहेगा उसकी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।